धमतरी जिले के बोराई थाना पुलिस ने शनिवार को चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही एक ट्रक को शक के आधार पर रोककर ट्रक सवार दो लोगों से पूछताछ करने के बाद उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर ट्रक की तलाशी लेकर ट्रक में अलग अलग बोरियों में रखा 80 किलो गांजा बरामद कर ट्रक सवार दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए गांजा की कीमत 16 लाख रुपये बताई गई है। मामले की जानकारी बोरई थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जगत ने कुछ इस तरह से दी है। दिनांक 24/11/2023 को माननीय पुलिस अधीक्षक धमतरी महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी बोरई के द्वारा थाने के सामने अंतर्राज्यीय नाका चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दरमियान ही एक ट्रक जिसकी पासिंग यूपी थी वो आके रुकी, तो उस पर दो लोग बैठे थे, तो जिनको पूछताछ करने पर थोड़े संदेही लगे तो उनके पास से तलाशी ली गई, तो ट्रक में से लगभग 80 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसकी कुल कीमत 16 लाख रुपए है और पाया गया, जिसकी विधिवत जब्ती की गई है और जो दोनों आरोपी हैं उनको माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत किया जा रहा है।